हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं आपको जो टॉपिक लेके आया हूँ वो काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, काफी पेरेंट्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आज कुछ फीस के ऊपर डिस्कशन करना चाहूंगा कि फीस है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, आप किस तरह से मैनेजमेंट करके आगे चलोगे वो मैं आज के वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। देखिए टॉपिक में मैंने क्या लिखा है कि सबसे पहले तो मैं मार्कर ले लेता हूँ। देखिए TFWS और विथ फीस। अब यहाँ पे हर कोई कंफ्यूजन है कि TFWS में सिलेक्ट करे या फिर फीस देके कोई ऊपर की कॉलेज है वहां पे हम जाए। और दूसरा मैंने लिखा है सेल्फ फाइनेंस कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोनों में मैं काफी अच्छा आपको डिस्कशन करूंगा, ईच एंड एवरी पॉइंट में आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, बट आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना होगा, यही एक कंडीशन रहने वाली है। देखिये अब मेरी चैनल पे मैंने काफी सारे यहाँ पे कमेंट्स देखे, लाइक DAICT में फीस वर्सेस निर्मा यूनिवर्सिटी में TFWS, निर्मा यूनिवर्सिटी में फीस वर्सेस PDPU में TFWS, निर्मा यूनिवर्सिटी में फीस वर्सेस अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में TFWS। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे तीन एग्जांपल दिए, तो आपको थोड़ा सा तो आइडिया आ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए ऊपर की लेवल की कॉलेज यानी कि DAICT और निर्मा ले लीजिए, और उसके सामने TFWS लेवल की कॉलेज यानी कि PDPU और अहमदाबाद यूनिवर्सिटी ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा आपके दिमाग में कि अब क्या करें। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की फीस पे करे या फिर गवर्नमेंट में सिर्फ 1500 लेके अपना इंजीनियरिंग निकाल ले। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो देखिए मैं आज यहाँ पे आपको काफी अच्छे से एज अ बिग ब्रदर, एज अ मेंटर मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि आप पूरी तरह से मेक श्योर हो जाओगे कि आप किसी भी तरह के आने वाले टाइम में कोई भी फाइनेंशियल बर्डन के अंदर ना आए, वो मैं आपको पूरा आपको आज वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको टाइम मिले आप एक अपनी फैमिली के साथ बैठिए, पूरा फैमिली, आपका चार लोगों का फैमिली है तो चार लोगों के साथ, पांच लोगों के साथ। और यहाँ पे काफी सारे मैंने गुजराती फैमिलीज में मोस्टली देखा है कि कोई अपना जो रिलेटिव होता है वो हो गया फूआ और वो सब कोई फीस में हेल्प करते, तो उन लोगों को भी बुला लीजिए और एक डिस्कशन कीजिए। उसमें आप एक रफ कैलकुलेशन कीजिए कि आपकी चार साल की इंजीनियरिंग में कितना आपको कॉस्ट लगने वाला है, ईच एंड एवरी कॉस्ट, यानी कि छोटे से छोटा कॉस्ट यहाँ पे आपको मेंशन करना है। छोटे से छोटा कॉस्ट यानी कि आप शायद हॉस्टल में रहोगे तो वहां आपको साबुन की जरूरत पड़ेगी, आप ब्रश लोगे, टॉवल लोगे, ये सारी छोटी से छोटी जरूरत से लेके बड़े से बड़ी जरूरत यानी कि आपकी ट्यूशन फीस, आपकी हॉस्टल की फी, लाइब्रेरी की फी, ये सारा एक्सपेंस मिला के एक पेपर के ऊपर लिखिए और पूरा का पूरा एक तरह से कॉस्ट मैनेजमेंट बनाइए, बजट बनाइए, कुछ भी ऐसा बनाइए कि इससे होगा क्या कि आपको आने वाले चार साल में कितने पैसों की जरूरत होने वाली है, वो आपको एक आइडिया आएगा कि आपको चार साल के दौरान एक अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होगा। अब यहाँ पे आप डिस्कस कंफ्यूज मत होइए, मैं आगे चल के आपको समझाने वाला हूँ कि आप किस तरह से पूरा एक्सपेंस का लिस्ट बना सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रफ कैलकुलेशन करना है आपकी चार साल की इंजीनियरिंग के जर्नी के दौरान, आपको छोटे से छोटा कोर्स भी उसमें इंक्लूड करना है और बड़े से बड़ा कोर्स भी। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है निर्मा यूनिवर्सिटी का। अब आप बोलोगे कि मैंने सिर्फ निर्मा का ही क्यों लिया, तो देखिये मैं क्या, मेरा एम यही है कि मैं हो सके उतने छोटे वीडियो बनाऊं, छोटी अमाउंट के यानी कि छोटे 5-6 मिनट के जाए उतना जल्दी मैं ट्राई करता हूं। बट यहां पे अगर मैं 4-5 कॉलेज इसमें इंक्लूड करने गया ना तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मैं सिर्फ टाइम पास करता रहूं और YouTube पे आके कुछ भी बोलता रहूं। ठीक है, तो देखिए निर्मा यूनिवर्सिटी में मैंने यहां पे लिखा है, तो आपको यहां पे चेंजेस कहां करना है, मान लीजिए कि आपने यहां पे VG इसी में लिया है तो आपको ऊपर के दो ही चेंज करने रहेंगे, बाकी के नीचे के तो हर कोई के लिए कॉमन रहेगा, चाहे वो आप गवर्नमेंट में हो, सेल्फ फाइनेंस में हो, ऊपर के दो ही बदलेंगे। अब यहां पे मान लीजिए कि आपने निर्मा की बदले लिया है अदानी, मारवाड़ी, दर्शन, VVP, PDPU, कोई भी कॉलेज में लिया है, ऊपर के दो फैक्टर ही चेंज होंगे। तो देखिए निर्मा यूनिवर्सिटी में मेरा सबसे बड़ा एक्सपेंस रहने वाला है फीस। अब ये जो यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा है ना, ये सब कुछ कैलकुलेशन मैंने एक साल के हिसाब से ही किया है, यहाँ पे मैंने चार साल का मेंशन नहीं किया है। देखिए सबसे बड़ा अमाउंट और मेरा एक्सपेंस होगा निर्मा यूनिवर्सिटी में फीस में वो, और मैंने यहाँ पे ये काउंट किया है 2 लाख। अब आपके दिमाग में जनरली एक क्वेश्चन आएगा कि निर्मा की फीस तो सिर्फ 1,81,000 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लाख क्यों लिया। तो देखिये यहाँ पे जो भी आप एक्सपेंस कैलकुलेट करें वो एग्जैक्ट
पॉइंट टू पॉइंट ना करें, यानी कि 181,000 है तो यहाँ पे 181,000 मत रखना, क्योंकि देखिए 181,000 तो आपकी रहने वाली ट्यूशन फीस। अब आप हर साल हर सेमेस्टर में एग्जाम दोगे तो उस टाइम क्या आएगा, एग्जाम फीस आएगी। एग्जाम फीस कितनी होगी, 2,000 के आसपास। उसके अलावा छोटे छोटे चार्जेस यहाँ पे आपसे लेंगे वो सब। तो इसीलिए उसमें मैंने थोड़ी सी अमाउंट एड करके यहाँ पे मैंने एक राउंड फिगर में 2 लाख लिए है निर्मा यूनिवर्सिटी की एक साल की फीस। अब दूसरी बात, निर्मा यूनिवर्सिटी में मोस्टली तो काफी कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो अहमदाबाद से आएंगे, मेरे जैसे काफी सारे कुछ राजकोट से जाएंगे, कुछ जूनागढ़ से, बड़ौदा से, सूरत से, यानी कि ऑल ओवर गुजरात से और ऑल ओवर इंडिया से भी निर्मा में स्टूडेंट्स आते हैं। तो फिर हॉस्टल की फीस भी हमें देनी होगी। तो हॉस्टल की फीस यहाँ पे मैंने एक साल की काउंट की है 60,000। अब यहाँ पे मैंने 60,000 एवरेज फी काउंट की है। अगर यहाँ पे आपको कोई अच्छा हॉस्टल चाहिए कि जिसमें पूरी फैसिलिटीज हो, एमिनिटीज हो, यानी कि टीवी, वाईफाई 24/7, पूरा सीसीटीवी बैकअप और ये सब कुछ आपको चाहिए होगा, तो फिर यहाँ पे आपकी कॉस्ट हो जाएगी 80,000 से 1 लाख रुपीस। और यहाँ पे अगर आप बजट में और भी कमी लाना चाहते हो तो 40,000 में भी आपको मिल जाएगा, बट वहाँ पे काफी कॉस्ट कटिंग होगा, यानी कि काफी कम फैसिलिटीज होगी। तो यहाँ पे मैंने हॉस्टल की फीस एक साल की ली है 60,000 और ये काफी एवरेज फी है। इसमें आपका खाना भी आ जाएगा, आपने ग्रोसरीज भी आ जाएगी, आपने सॉरी ग्रोसरी तो नहीं बट जो कपड़े धोने का होता है ना, वो सब कुछ, वॉशिंग, वो सब कुछ भी इसमें इंक्लूड होगा। अब उसके बाद मैंने क्या बोला कि मोस्टली निर्मा में होंगे वो अहमदाबाद से इतना होंगे नहीं, तो वो लोग आएंगे बाहर से। तो आप मान लीजिए कि आप राजकोट से आते हो या फिर सूरत से आते हो, तो फिर महीने में हो सकता है कि एक दो बार तो आप ट्रिप कर ही लो। अब यहाँ पे होगा क्या, तो मैंने खुद ने रियलाइज किया कि काफी टाइम क्या हो जाता था कि पहली स्टार्टिंग के महीने में 2-3 दिनों की छुट्टी थी तो हम लोग जनरली अपने घर वापस आ जाते थे, और महीने के लास्ट में भी कोई बड़ा वेकेशन होता था 3 दिनों का, तो हम एक ही महीने में 2 बार आ जाते, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास है कि यहाँ पे मैंने 1,000 एक महीने का एक्सपेंस किया, कवर किया है ट्रांसपोर्टेशन का। अब यहाँ पे कोई वोल्वो में ट्रैवल करता होगा तो राजकोट से अहमदाबाद की वोल्वो की टिकट है 450। अगर आप यहाँ पे कोई एक लोकल एसटी बस में ट्रैवल करो तो यहाँ पे आपकी वो टिकट हो जाएगी 150 समथिंग। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि यहाँ पे आप कितना लोगे। अब यहाँ पे जो एक्सपेंस मैंने कवर किया है वो मैंने अपने हिसाब से किया है, तो इसीलिए आप अपने हिसाब से चेंज करना। अब यहाँ पे मैं समझाना तो यही चाहता हूँ कि आपको ये सिर्फ लिस्ट बनानी है, बट जिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा है कि किस तरह से लिस्ट बनाई, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पे मेरी लिस्ट बना के दिखाई कि तो मैंने इस तरह से कवर किया है। अब 1,000 एक महीने का होगा, अब 12 महीने का 12,000 मैंने नहीं कवर किया, मैंने सिर्फ 10,000 ही कवर किया, क्योंकि दिवाली वेकेशन, उसके अलावा पब्लिक हॉलीडेज और ये सारे वेकेशन के चलते आप 12 में से 12 महीने में हर एक महीने में ट्रैवलिंग नहीं करोगे, आप महीने के 10 से लेकर के 11 महीने ही ट्रैवलिंग करने वाले हो। एक महीने जितना टाइम तो आप अपने घर पे ही स्पेंड करोगे, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में मैंने ये भी कॉस्ट कवर कर लिया है कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे रहते हो अपने हॉस्टल के अंदर और निर्मा यूनिवर्सिटी आपकी हॉस्टल से 3 किलोमीटर दूर है, तो हर रोज आने जाने की रिक्शा की कॉस्ट, आप AMTS, BRTS जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो तो उसकी 10-10 रुपए की टिकट, उसके अलावा आप शटल रिक्शा में जाते हो तो ये सारे ओला उबर कैब करोगे, तो ये सारे जो ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट है वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए है एक महीने के हिसाब से, वो होगा 12 महीने का, मैंने यहाँ पे राउंड फिगर में 10,000 लिए है। उसके अलावा आप हॉस्टल में रहोगे तो हॉस्टल वाले आपको ब्रश, साबुन, टॉवल ये सब कुछ तो प्रोवाइड नहीं करने वाले, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा कॉस्ट तो यहाँ पे निकालना होगा। मान लीजिए कि ये सारे कॉस्ट के हो गए 10,000, तो मैंने एक साल का यहाँ पे काउंट किया है 10,000। उसके अलावा आप ऐसा तो है नहीं कि आप महीने के फर्स्ट तारीख से लेके महीने के लास्ट तक यानी 30 को आप हर रोज उठोगे, नहाओगे, कॉलेज जाओगे, कॉलेज में आराम मतलब स्टडी करोगे, लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करोगे और उसके बाद आ जाओगे हॉस्टल, दूसरे दिन सेम, तीसरे दिन सेम, ऐसा तो नहीं होगा नहीं। वीकेंड में आप प्लान करोगे मूवी देखने का, वीकेंड में आप प्लान करोगे रेस्टोरेंट में जाने का, वीकेंड में आप प्लान करोगे मैकडोनाल्ड्स, डोमिनोज में जाने का, वीकेंड में आप प्लान करोगे गेम जोन में जाने का, तो ये भी कॉस्ट आपको इंक्लूड करना होगा। अब ये यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से स्पेंडिंग किया है कि मैं एक महीने में 2,000 जितने अमाउंट स्पेंड करूंगा मेरी जो जरूरी शौक है वो कंप्लीट करने के लिए, शौक यानी कि मूवी देखना आ गया, मैकडोनाल्ड्स, डोमिनोज में जाना आ गया, ये सब कुछ, ठीक है। तो महीने की 2,000 होता है तो मैंने यहाँ पे 12 महीने का 20,000 यहाँ पे मैंने कवर किया है, तो ये होगा मेरा एक महीने का एक्सपेंस। अब देखिए यहाँ पे मैंने काफी छोटी छोटी जो अमाउंट थी वो मैंने स्किप कर दी है, मोस्टली यहाँ पे जो भी है वो कवर हो चुकी है। अब एक साल का आपका एक्सपेंस रहने वाला है 3 लाख रुपीज, यानी कि इंजीनियरिंग की एक साल की कीमत आपको पड़ेगी 3
3 लाख रुपीज। अब यहाँ पे अगर आप निर्मा यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करते हो तो अब यहाँ पे कॉस्ट कटिंग होगा। जैसे कि आप MYSY लेते हो तो यहाँ पे आपको 50,000, अब मैं यहाँ पे एक्सेट अमाउंट तो पता नहीं कि MYSY में कितना होगा, बट उतना आपको स्कॉलरशिप में रिटर्न भी मिल जाएगा। तो ये क्या होगा कि एक साल का आपका इतना एक्सपेंस रहने वाला है निर्मा यूनिवर्सिटी में से अगर आप इंजीनियरिंग में पास आउट होते हो तो। अब यहाँ पे आपको 4 साल का कितना होगा, 12 लाख रुपए, और विच इज रियली ह्यूज अमाउंट। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो 12 लाख की अमाउंट काफी बड़ी मानी जाती है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आप सबसे पहले तो आप फैमिली के साथ बैठिए और उसको ये सारा लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाया है, ऐसा सेम लिस्ट आप भी बनाइए और एक फाइनल फिगर आपकी फैमिली के साथ रखें कि मेरी 4 साल की इंजीनियरिंग की कॉस्ट 12 लाख होने वाली है। अब इसके बाद क्या करना है, तो देखिए आप डिस्कस कीजिए फैमिली के साथ कि आप लोन अफोर्ड कर पाएंगे। आप अपने आप से कुछ भी लोन किए बगैर क्या आपकी फादर की इनकम इतनी सफिशिएंट है कि आप 12 लाख रुपए की जो अमाउंट है वो आप पे कर पाओगे? और यहाँ पे जो भी आपकी फैमिली में से जो भी आपको फीस प्रोवाइड करेगा तो उसके साथ बैठिए, उसके बाद डिस्कशन कीजिए कि क्या इतनी अमाउंट है वो आप पे कर पाओगे, क्या ये ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, क्या कुछ है। वो मैंने इसीलिए बताया कि आप पहले फैमिली के साथ बैठिए, जितने हो सके उतने ज्यादा मेंबर बैठिए, 4 लोगों की फैमिली है तो 4 लोगों के सभी के साथ बैठिए, टाइम निकाल के 1-2 घंटे का टाइम निकाल के ये सारा डिस्कशन कीजिए। After discussion, if everyone agreed, then and then only go with self finance. यानी कि मैंने क्या बोला कि आप discussion के बाद, आप बैठने के बाद, सारा चर्चा विचार ना करने के बाद, अगर सारे members agree होते हैं कि हाँ हम loan afford कर पाएंगे, हम अपने हिसाब से afford कर पाएंगे, हम यहाँ पे cost cutting कर लेंगे, हम यहाँ पे savings ज्यादा कर लेंगे और आपकी fees pay करेंगे, ऐसा सब agree हो रहे हैं, तभी आप self finance college के साथ जाना, अदरवाइज आप गवर्नमेंट अदरवाइज TFWS के साथ एडमिशन लो तो वो काफी बेटर रहेगा। ये मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी, सबके लिए रिक्वेस्ट रहेगी कि देखिए आपको यहाँ पे ये सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपकी फैमिली के ऊपर आप बर्डन नहीं होना चाहोगे, यानी कि आप अपनी फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं बनना है। आपकी फैमिली आपके घर में कितनी मेहनत करके ये 12 लाख जैसी बड़ी अमाउंट निकालती है और आप वहाँ पे निर्मा में जाके टाइम पास करोगे तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे फिर से रिपीट कर दूं कि आपको अपनी फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं बनना है किसी भी अमाउंट में, चाहे वो फीस की हो या फिर जिंदगी में आने वाले कोई भी टाइम के लिए आपको अपनी फादर के लिए, अपनी फैमिली के लिए बर्डन नहीं बनना है। लास्ट थिंग मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में सभी प्राइस हाइक हो रहे हैं। जैसे कि लास्ट में आपने देखा कि GST अभी सिर्फ जो छोटी छोटी दूध और दही के जो पाउच थे उसके ऊपर भी GST आ गया, तो आने वाले टाइम में महंगाई और बढ़ती जा रही है तो और भी बढ़ेगी। तो फिर आपका जो रहने का, जो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे कॉस्ट आपको यहाँ पे जो मैंने दिखाए थे कि जैसे कि मूवीज का हो गया, आप खाने जाते हो तो उसमें भी प्राइस बढ़ने वाली है। तो इसी लिए मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही बता रहा हूँ कि आप सभी लोगों के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि क्या आपको करना होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो काफी लंबा हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, बट मैंने यहाँ पे मैंने दिल से समझाया कि आप अच्छी तरह से डिसीजन ले, आप अपनी फैमिली के ऊपर बर्डन ना बने, यही मेरी एडवाइस रहेगी। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग टाइम।